वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैम की ड्रीम्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिली दाल सालन रेसिपी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैं लूँगी 1/2 kg चिली दाल, 1 मीडियम साइज की ऑनियन, हरा धनिया 1 बाउल, छोटा टुकड़ा कोकोनट स्लाइस किया है, 3 टमाटर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब को हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने ग्रीन पेस्ट अलग से तैयार किया है और कोकोनट और टमाटर का पेस्ट अलग तैयार किया है। अब मैं कुकर को स्टोव पे रखूंगी, हाई फ्लेम पे 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड करूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं ऑनियन, थोड़ी ऑनियन, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी गोल्डन होने तक। अब इसको इसमें जाएगा हरा मसाला जो हमने तैयार करके रखा था। इसमें जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, चिली पाउडर, हल्दी, नमक और धनिया। चिली पाउडर 1 टीस्पून है, हल्दी पाउडर 1/4 teaspoon, धनिया पाउडर 1/2 teaspoon और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसको 1/2 minute तक मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी चिली दाल। अब इन सब को अच्छे से 1 मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट हो गया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं टमाटर और कोकोनट का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 बाउल वाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसको हल्का सा उबाल आने तक पकने दें। अगर आप चाहे तो इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा उबाल आ गया है, इसमें डालूंगी मैं कोफ्ते। कोफ्तों की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। अब मैं कुकर का ढक्कन ढक दूंगी, इसको 1 स्टीम आने तक इसको हाई फ्लेम पे ही रखें। फ्रेंड्स, ये देखिए स्वादिष्ट चिली दाल सालन कोफ्तों के साथ तैयार हो गई है, बहुत ही यम्मी बनती है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें और कमेंट करें जो भी आपकी ख्वाहिश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।